तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएं, यानी कि जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका बैनर कैसे बनाएं। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो क्लास में बने रहें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप पिक्सेल ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसको यहाँ पर रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको थ्री डॉट पे आने के बाद आपके यहाँ इमेज साइज़ पे आपको क्लिक कर लेना है। इमेज साइज़ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो यूट्यूब थंबनेल है सिंपली आपको उसको क्लिक करके ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जो फोर्थ नंबर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप कलर का ऑप्शन है तो यहाँ से अपना जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से इस तरह से बैकग्राउंड ब्लैक रख के चॉइस कर लेते हैं। प्लस पे आने के बाद आपको फिर यहाँ गैलरी पर जाना है। गैलरी पर जाने के बाद अपना जो बैकग्राउंड का साइज़ है, यानी कि जो बैनर साइज़ है, आपको वो यहाँ पर एडजस्ट करके लेना है। यानी कि इससे आपको शो करके एडजस्ट कर लेना है, बिल्कुल यहाँ से टच नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर को इन्वॉल्व कर लेना है। यहाँ से आप कोई भी कलर रख सकते हैं, तो सिंपली यहाँ से हम एक कलर यहाँ से चॉइस करके रख सकते हैं। बहुत सारा कलर है, आप रख सकते हैं। उसके बाद लेयर पे आने के बाद इसको लॉक कर देना ताकि इधर उधर ना हो। उसके बाद यहाँ से फिर टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ शेप को आपको यहाँ पे इस तरह से आपको इस तरह से बड़ा साइज करके आपको एडजस्ट कर लेना है। यानी कि शेप को बड़ा साइज कर लेना ताकि इसे अच्छा से यहाँ पे एडजस्ट हो सके। उसके बाद नीचे की तरह आने के बाद यहाँ पे एक आपको यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं रोटेट का ऑप्शन है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे 45 कर लेना है। 45 करने के बाद आपको इसको अच्छा से एडजस्ट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे कोने में ला के अच्छा से एडजस्ट कर दिए। इस तरह का एडजस्ट करने के बाद क्लिक कर लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर की तरह के आने के बाद यहाँ पे टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस तरह टू बैक कर देना है। उसके बाद एडजस्ट कर देना अच्छा से। उसके बाद कलर को फिर इन्वॉल्व कर लेना, जैसे कि कलर को हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारा कलर है, आप अपने हिसाब से चॉइस करके आप कोई भी कलर यहाँ से रख सकते हैं, चॉइस करके रख सकते हैं। आपको जो मन हो आप वो कलर का उस टाइप का बैनर बना सकते हैं। तो सिंपली हम इस तरह से एडजस्ट करके आप यहाँ रख लिए। तो फिर यहाँ पे इसको भी आके बाद यहाँ लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ए भी ना हो। उसके बाद फिर यहाँ शेप के आने के बाद एक न्यू शेप ले लेना है। न्यू शेप लेने के बाद इसका भी साइज हम बड़ा कर देंगे। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसके फिर नीचे की तरह के आने के बाद आपको इसको भी सिंपली रोटेट कर लेना है, जैसे कि ओला रोटेट किए थे तो इसको भी 45 रख के इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद इसको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर ऊपर की तरह आने के बाद यहाँ पर टू बैक पे ऑप्शन मिलेगा, आपको टू बैक कर देना है। और टू बैक करने के बाद आपको इस तरह से अच्छा से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद कलर को इन्वॉल्व कर लेना है, जैसे कि उसमें कलर इन्वॉल्व किए थे इसमें भी उसी तरह कलर इन्वॉल्व कर लेना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो अच्छा लगे तो वो कलर आप यहाँ से इस तरह चॉइस करके अपना यहाँ पे जो बैनर साइज है यानी बैनर कलर है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर लेयर पर आने के बाद इसको भी लॉक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे टैक्स पे आने के बाद आप यहाँ से एक टैक्स लेना है, यानी कि आपका जो चैनल का नाम है सिंपली वो चैनल यहाँ नाम जो नाम है वो यहाँ पे रख सकते हैं। यानी कि कोई अपना जो चैनल है आप उसका नाम रख के इस तरह अच्छा से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको फिर नीचे की तरफ आने के बाद फ्रंट पे आ जाना है। फ्रंट पे आने के बाद बहुत सारा फ्रंट है, आप यहाँ से कोई भी फ्रंट अपना ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ सिंपली एक फ्रंट लेके इसको हम ओके कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा से आपको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरह आने के बाद आपको यहाँ पे शेडो का ऑप्शन मिलेगा, तो शेडो पे क्लिक करके इसको इन्वॉल्व कर लेना है। इन्वॉल्व करने के बाद आप यहाँ बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। आपको ब्लर को सिंपली जीरो कर लेना है, यानी कि जो यहाँ पे शेडो का ऑप्शन है आप वो यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ब्लैक, व्हाइट, रेड, जिस तरह शेडो का ऑप्शन आप उस तरह से शेडो रख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर के आने के बाद आप कलर को इन्वॉल्व कर लेना है। इन्वॉल्व करने के बाद आप यहाँ यानी कि जो यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही उसका जो फ्रंट है यानी कि वो टाइप का वो कलर चेंज होगा, तो आप यहाँ से इस तरह से वो वर्ड का यहाँ पे चेंज होगा। तो हम इस तरह से सिंपली इस तरह सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। आप इसी तरह से कलर चेंज कर लीजिएगा, यानी कि जो आपको अच्छा लगे आप वो कलर यहाँ पे रख के अच्छा से चॉइस करके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको बात करने के बाद इसको यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट लेने के बाद आप यहाँ लिख देना क्यू की सपोर्ट ले देना है, यानी कि आपको यहाँ बीच में जो अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। तो आप यहाँ सब्सक्राइब नाउ भी रख सकते हैं, प्लीज़ कीप सपोर्ट भी रख सकते हैं। इसको भी सेम टू सेम उसी तरह करना है, इसका भी फ्रंट चेंज करना है और इसका भी कलर चेंज करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा फ्रंट है, आप इसका भी फ्रंट इस तरह से चेंज कर लीजिएगा। उस तरह नीचे की तरफ आने बाद इसका भी हम यहाँ पे कलर है वो चेंज कर देंगे, यानी कि कलर इन्वॉल्व करके यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे वही कलर चेंज होगा। तो आप भी इस तरह से यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम कलर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। आप इस तरह से अपना कलर चेंज कर लीजिएगा अच्छा से, यानी कि एडजस्ट करके आपको जिस तरह से अच्छा लगे वो कलर यहाँ आपको चेंज कर लेना। बहुत सारा कलर है, अपने हिसाब से कलर चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद कलर चेंज करने के बाद क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ फ्रॉम गैलरी पे जाना है। फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं यानी कि जो यहाँ PNG है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, यानी गूगल से डाउनलोड करना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद इसको अच्छा से हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि अच्छा से हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं।
अच्छा से रश करने के बाद आपको यहाँ पे कलर को इन्वॉल्व कर लेना है। इसको भी इन्वॉल्व करते यहाँ से बहुत सारा कलर आप रख सकते हैं, तो सिंपली वाइट ही रख लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस पे आने के बाद आप यहाँ पे टैक्स लेना है, और टैक्स पे लेने के बाद यहाँ से हम जैसे फॉलो मी एयर ले देते हैं यहाँ से। अच्छा से आपको फॉलो मी एयर लिख के अच्छा से नीचे इसको जूम आउट करके इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद सबको लॉक कर देना है, सब लेयर को लॉक कर देना ताकि इधर उधर ना हो, बाद में कोई प्रॉब्लम ना करे। सिंपली हम इसको फॉलो मी को हम अच्छा से यहाँ पे नीचे ला के इसको अच्छा से एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से इसका जो फ्रंट है वो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, इसका भी फ्रंट चेंज करके अच्छा से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो फ्रंट है वो चॉइस करके फ्रंट यहाँ रख के इसको हम ओके कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ओके कर लेंगे। जैसे कि ये फ्रंट ये नहीं अच्छा लगा तो हमको ये और फ्रंट लेके यहाँ से अच्छा से एडजस्ट कर लेंगे। आप भी इस तरह से अपना फ्रंट लेके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली इसको वाइट ही रखेंगे, इसको अच्छा से हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि आप भी इस तरह से अच्छा से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ देख रहे हैं अच्छा से एडजस्ट करना है। सो फिर यहाँ टैक्स पे आने के बाद आप यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे जाना है। फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद यहाँ से आप एक जो पिक लेने आनी कि जो पिक यहाँ पे अपना जो बैनर पे लगाना चाहते हैं वो पिक आपको लेके अच्छा से यहाँ पे एडजस्ट कर देना। जिसके यहाँ पे एक पिक ले लीजिए, आप भी इस तरह से अपना पिक लेके आपको इसको राउंड साइज में आप इसको अच्छा से एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसको अच्छा से एडजस्ट कर देना है, जैसे कि हम यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहे हैं। इस तरह से आपको भी कर लेना है, जिसकी फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद अच्छा से आपको इसको अच्छा से मैनेज कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। उस फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरह आने के बाद यहाँ स्मूथ का ऑप्शन है, इसको इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व करने के बाद इसको सिंपली एक रख लेना या दो रख लेना, सिंपली एक ही रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपना कलर चॉइस कर लेना है। उस पर नीचे की तरह के आने के बाद यहाँ से शेडो का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से शेडो को इन्वॉल्व कर लेना। जैसे कि हम शेडो को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से अपना जो यहाँ पे शेडो का कलर है आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं, ब्लैक रेड वाइट, तो सिंपली हम ब्लैक ही रख लेंगे, इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से हम सिंपली इस तरह से मैनेज कर लेंगे, अपने हिसाब से आप भी यहाँ पे मैनेज कर लीजिए। उसके बाद इसको भी लॉक कर देना, यानी कि सबको लॉक कर देना है, जैसे कि यहाँ पे हम लॉक कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ फिर फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद यहाँ से हम जैसे कि यहाँ पे एक लेयर ले लेंगे। लेयर लेने के बाद आपको इस तरह से आपको इसको अच्छा से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, यानी जूम करके अच्छा से एडजस्ट करना ताकि देखने में थोड़ा सा और प्रोफेशनल लगे। आप भी आप इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद सबको लॉक कर देना है, सिर्फ आपको इसको ए लेयर को अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद आपको इसको यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरह आने के बाद आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर आने के बाद आप एक्सपोर्ट इमेज पर चल जाना है। एक्सपोर्ट इमेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पे PNG पे क्लिक करके आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। जैसे सेव टू गैलरी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे फोटो आपका जो PNG है वो सेव हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।